दोस्तों, बाजार से आपने कई बार सब्जियों के साथ फलों को भी खरीदा होगा और आपने देखा होगा कि कुछ फलों पर विशेष अंक वाले स्टिकर लगे होते हैं। आखिर वह स्टिकर फलों पर क्यों लगे होते हैं और इनका क्या मतलब होता है, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, दरअसल फलों पर लगे स्टिकर फलों की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। क्योंकि फलों को लोग अच्छी सेहत के लिए खाते हैं, लेकिन अगर आप गलत फल का चुनाव कर लेते हैं तो यही फल आपकी सेहत भी बिगाड़ सकते हैं। बता दें कि फलों में लगे स्टिकर में दाम, एक्सपायरी डेट के अलावा एक PLU कोड भी होता है। PLU कोड जो फलों की गुणवत्ता को दर्शाता है। अगर आप इसके बारे में जान जाते हैं तो आपको भी सही गुणवत्ता वाले फलों का चुनाव करने में आसानी होगी। PLU कोड में एक विशेष अंक से शुरू होने वाली संख्या होती है, जिससे आप जान सकते हैं कि जो फल आप खरीद रहे हैं उसे पारंपरिक तरीके से उगाया गया है या उसमें किसी रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। अगर किसी फल पर लगे स्टिकर पर लिखा गया कोड 9 अंक से शुरू होता है और यह संख्या 5 अंकों की है, तो उदाहरण के लिए 90513, तो यह जैविक तरीके से उगाया गया है और यह फल सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। दूसरा, किसी फल पर लगे स्टिकर पर दिया गया कोड 8 अंक से शुरू होता है और यह संख्या 5 अंकों की है, उदाहरण के लिए 80512, तो इस तरह के फल गैर ऑर्गेनिक होते हैं। तीसरा, फलों में अगर 4 अंकों की संख्या है, उदाहरण के लिए 4021, तो इस तरह के फलों को कीटनाशक और रसायनों द्वारा उगाया जाता है, इसलिए यह फल ऑर्गेनिक फल की तुलना में सस्ते होते हैं। इन फलों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है, इसलिए हमेशा सिर्फ ऑर्गेनिक फल ही खाएं। तो गाइस, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो, कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉच।